हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मत बोल, सब ठीक ठाक है? वेरी गुड। सबसे पहले तो सॉरी यार, रेगुलर वीडियोस में डाल नहीं पा रहा था, पर अब शॉर्ट्स भी रेगुलर आएंगे और वीडियोस भी रेगुलर आएंगे। अरे हाय गॉर्डन, वो बहुत दिनों से मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो ना। मैं और आपके साथ नहीं रह सकती। अरे अचानक से, पर क्या हुआ ऐसा? बोला ना मैंने, नहीं रहना आप जैसे नूब के साथ मुझे। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, क्या हुआ? यार मैंने आपका गेम प्ले देखा, आपका मूवमेंट अच्छा है, आपका ग्लू वॉल लगाने का स्टाइल भी अच्छा है, पर आपको पता है आपका एक्यूरेसी बिल्कुल टट्टी है। आपने ब्राजीलियन प्लेयर्स को देखा, उनका एक गोले मिस नहीं होता और आपका तो एक गोले भी हार नहीं लगता। आपकी वजह से पूरा मैच हार जाती हूँ मैं। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, अब सब खत्म, मैं जा रही हूँ, बाय। और वो इतना सब कुछ बोलकर चली गई और मेरे दिलो दिमाग में ये बात पूरे 6 दिनों तक घूमती रही। पता है आपका एक्यूरेसी बिल्कुल टट्टी है। आपने ब्राजीलियन प्लेयर्स को देखा, उनका एक गोले मिस नहीं होता और आपका तो एक गोले भी हार नहीं लगता। आपकी वजह से पूरा मैच हार जाती हूँ मैं। खैर जिसको जाना था वो चले गया, उसकी कमी तुम पूरी कर सकते हो। तुम मेरे सब्सक्राइबर, मेरी जान, तुम्हारी कह के लूंगा मैं। खैर छोड़ो, बात तो ये थी कि ब्राजीलियन प्लेयर्स इतना अच्छा एक्यूरेट कैसे खेल लेते हैं। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि ये ब्राजीलियन प्लेयर्स का कोई नाजायज तालुकात तो नहीं आकर उसके साथ, पर नहीं, मैं गलत था। मैंने बात किया वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर इन ब्राजील सर्वर, द वन एंड ओनली मैक्साइडो FF। उसका गेम प्ले एंड एक्यूरेसी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है गाइस। इसने मुझे 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताया जिन्हें फॉलो करके मेरा गेम प्ले इतना खतरनाक हो गया कि क्या ही बताओ। तुम खुद ही देख लो ये गेम प्ले। मजा आया ना? और ये एक्यूरेसी की 5 सीक्रेट टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको फुल वीडियो देखना है और एक लाइक कर देना है अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो एक्यूरेसी इंक्रीज करने के टोटल 5 पॉइंट है और 5 भी आपको फॉलो करना है। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो आपको फॉलो करना ही करना है। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट नंबर 1 की तरफ। गाइस पॉइंट नंबर 1, आपको आपकी डिवाइस का सेंसिटिविटी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप किसके भी वीडियोस देख लोगे और किसी का भी सेंसिटिविटी रख लोगे तो आपकी डिवाइस के लिए वो मैच नहीं करता, बिकॉज आपकी डिवाइस का सेंसिटिविटी अलग है और उसको आपको खुद ही पता करना होता है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लेना, आप पता कर लोगे कि आपको अपने डिवाइस का सेंसिटिविटी कितना रखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने ग्राफिक्स रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर ज्यादा ग्राफिक्स रखते हो उससे आपका मोबाइल हीट होता है और फ्रेम ड्रॉप होते हैं। फ्रेम ड्रॉप मतलब आपके FPS लो हो जाते हैं और आपका गेम प्ले अटक अटक कर चलता है। उससे क्या होता है कि अपने गेम प्ले में इफेक्ट पड़ता है, ना ही हम ठीक से ड्रैग कर पाते ना ही ठीक से हेडशॉट मार पाते। अगर आपको मोबाइल ग्राफिक्स में हीट होता है तो आपको अपने ग्राफिक्स कम कर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड में रख लेना है और उसमें खेलना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने ग्राफिक्स के नीचे जो हाई FPS है उसे हाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका गेम अच्छा चलेगा और इन गेम रिफ्रेश रेट ज्यादा मिलेंगे आपको। पॉइंट नंबर 3, ओवर ट्रैक ना करें। सपोज आपके सामने एनिमी है और आपको उसे मारना है, आपको अपने फायर बटन एकदम झटके से ड्रैग नहीं करना है, एकदम स्पीड से ड्रैग नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका गोली रिकॉइल होगा और आपका बुलेट एनिमी के सर के ऊपर से निकल जाएगा और आपकी गन रिकॉइल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ओवर ड्रैग नहीं करना है, आपको एनिमी के पोजीशन के हिसाब से ड्रैग करना है। सपोज एनिमी दूर खड़ा है तो आपको थोड़ा स्लो ड्रैग करना है, बिल्कुल स्लो, और एनिमी मिड रेंज में खड़ा हो तो आपको थोड़ा आपकी ड्रैग स्पीड बढ़ाना होगा, थोड़ा ज्यादा ड्रैग करना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, जितना ज्यादा पास रहा एनिमी उतना ज्यादा ड्रैग करना है और जितना ज्यादा दूर रहा उतना स्लो ड्रैग करना है आपको। पॉइंट नंबर 4, आपको एनिमी की कंडीशन के हिसाब से ड्रैग करना होगा, इस तरह ड्रैग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एनिमी के पोज की कंडीशन के हिसाब से मैंने ड्रैग किया, लाइक एनिमी खड़ा है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है तो आपको ऊपर ड्रैग करना होगा ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, अप एंड डाउन ड्रैग। और अगर एनिमी नूब वॉक कर रहा है तो आप रोटेशन ड्रैग करना होगा ऐसे, ऐसे राइट ड्रैग करना है
जिस डायरेक्शन में एनिमी का हेड जा रहा है वैसे देखो मैं करके बता रहा हूँ। देखा आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह ट्रैक किया। एनिमी जब राइट जा रहा था मैंने उसके हेड के डायरेक्शन में रोटेशन ट्रैक किया, और जब एनिमी लेफ्ट जा रहा था तो मैंने बिल्कुल लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैक किया जहाँ उसका हेड था। आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह ट्रैक करना है, और आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपका एक्यूरेसी भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, आप जब भी फायर करते हो या फिर मूवमेंट दिखा के फायर करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कवर लेना है। लाइक एनिमी सामने खड़ा है या फिर नूव वॉक कर रहा है तो आपको कवर फायर करना है। ऐसे नहीं कि मतलब खुले में जाओ और उसको हेडशॉट मारने की ट्राई करो, इससे आपका गोली अगर मिस हुआ ना तो सामने वाला का गोली तो पक्का लगना ही लगना है। बिकॉज वो करता ही नूब वॉक इसलिए क्योंकि उसको फर्स्ट फायर शॉट मिल सके। और आपके पास अगर SMG गन हो तो आपको कभी भी आपके गन की बुलेट्स पूरे एक साथ नहीं फायर करना है, बिकॉज आप फायर करते रहोगे उससे आपका रिकॉइल ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए करना क्या है कि आपको पहले 5 या 10 बुलेट चला लेना है, फिर अगर एम आपका बड़ा हो गया तो आपको थोड़ा 1 सेकंड ले लेना है तो एम सही से सेट करने के लिए, फिर बुलेट चलाना है इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। आपके अपोनेंट वाले बंदे के पास SMG गन हो या शॉट गन हो और वो ज़्यादा स्पैम कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे करना क्या है कि आपको ना उससे पहले फायर करने देना है, और जब अपोनेंट वाले बंदे का पोजीशन बिल्कुल खड़ा हो जाए स्ट्रेट तो आपको उस टाइम पे ट्रैक करके हेडशॉट मारना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।